प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो का टॉपिक है यूज ऑफ काजेटिव वर्ब्स। बच्चों, काजेटिव वर्ब का प्रयोग तब किया जाता है जब कार्य स्वयं न करके दूसरों से करवाया जाता है। अर्थात काजेटिव वर्ब इज यूज्ड व्हेन वर्क इज डन बाय Someone else in place of subject himself। हिंदी में भी समझा दिया है, जब कार्य स्वयं न करके दूसरों से कराया जाता है, when work is done by someone else। इसका रूल है, वो रूल इस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस हैव और गेट। हैव या गेट में से एक का प्रयोग किया जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी पावर थ्री मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस बाई प्लस डुअर, डुअर मींस कार्य करने वाला, जिससे काम करवाया जाता है। इसी नियम को दूसरे तरह से थोड़ा परिवर्तन करके भी लिखा जा सकता है, और वो यह है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या गेट प्लस नाउन या प्रोनाउन, जिसे हम ऑब्जेक्ट करके ऊपर दर्शाया है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मींस वी पावर थ्री अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस डुअर, कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है दोनों में। अब हम उदाहरण लेते हैं, अनपढ़ व्यक्ति ने मुझसे प्रार्थना पत्र लिखवाया। बच्चों, अनपढ़ व्यक्ति ने स्वयं प्रार्थना पत्र नहीं लिखवाया, अनपढ़ व्यक्ति ने मुझसे प्रार्थना पत्र लिखवाया। तो अब रूल लगाते हैं, किसने लिखवाया? अनपढ़ व्यक्ति ने, तो एन इलिटरेट मैन, और लिखवाया पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, अर्थात गेट या हैव की सेकेंड फॉर्म। एन इलिटरेट मैन गॉट एन एप्लीकेशन, ऑब्जेक्ट क्या है रूल में? ऑब्जेक्ट एन एप्लीकेशन है। फिर बी पावर थ्री अर्थात राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन, और बाई और डोअर में मी, मुझसे लिखवाया अर्थात डोअर मींस जिसके जो काम करता है, काम करने वाला, तो बाई मी। इसको अथवा करके भी बना सकते हैं, एन इलिटरेट मैन, अब गॉड की जगह हैड का प्रयोग किया, हैव की सेकेंड फॉर्म हैड होती है, तो एन इलिटरेट मैन हैड एन एप्लीकेशन रिटन बाय मी। दूसरा उदाहरण, मैंने नौकर से घर पुतवाया, अर्थात आई हैड द हाउस वाइट वॉश्ड बाय द सर्वेंट। इसी को अथवा आई गॉट द हाउस वाइट वॉश्ड बाय द सर्वेंट। बच्चों, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, यदि इस रूल को याद कर लिया जाए तो बड़ी आसानी के साथ हम इस रूल को अप्लाई करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी लर्न द यूज ऑफ काजेटिव वर्ब्स। काजेटिव वर्ब इज यूज्ड व्हेन वर्क इज डन बाय समवन एल्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट हिमसेल्फ। द रूल इज सब्जेक्ट प्लस हैव और गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी पावर थ्री मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस डूअर, और सब्जेक्ट प्लस हैव और गेट प्लस नाउन और प्रोनाउन ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट कैन बी नाउन और प्रोनाउन आल्सो, प्लस पास्ट पार्टिसिपल मींस वी पावर थ्री प्लस बाय प्लस डूअर। फॉर एग्जांपल, एन इलिटरेट मैन गॉट एन एप्लीकेशन रिटन बाय मी, और एन इलिटरेट मैन हैड एन एप्लीकेशन रिटन बाय मी, आई हैड द हाउस वाइट वॉश्ड बाय द सर्वेंट, और आई गॉट द हाउस वार्ड वाइट वॉश्ड बाय द सर्वेंट। इस तरह से बच्चों, मैंने जो बच्चे हिंदी नहीं समझते हैं उनके लिए अंग्रेजी में समझा दिया है, और हिंदी
अंग्रेजी दोनों समझने वालों को मैंने पूर्व में समझा दिया है। बच्चों थर्ड एग्जांपल जो कि इम्परेटिव सेंटेंस है, अपने जीवन का बीमा करवा लो। रूल वही है, सब्जेक्ट केवल हटा दिया। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, वर्ब से सेंटेंस आरंभ होता है। अर्थात अपने जीवन का बीमा करवा लो, गेट योर लाइफ इंश्योर्ड, अथवा हैव योर लाइफ इंश्योर्ड, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, रूल वही है। अब दूसरा रूल भी इसमें है, लेकिन पहले रूल का प्रयोग भिन्न प्रकार से भिन्न प्रकार के वाक्यों के लिए किया जाता है, जिसमें कार्य स्वयं न करके दूसरों से करवाया जाता, परंतु दूसरे नियम का प्रयोग तब किया जाता है जब दूसरों से कार्य करवाने के लिए स्वयं भी कुछ करना पड़े। अर्थात व्हेन सब्जेक्ट आल्सो डज समथिंग टू मेक द वर्क टू डू बाय डूअर। रूल इसका है, सब्जेक्ट प्लस मेक और काज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी पावर वन, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या टू प्लस बी पावर वन। एग्जाम्पल, उसने घोड़े को तेज दौड़ाया। बच्चों घोड़े को तेज दौड़ाने के लिए जरूर कुछ न कुछ किया गया, कोड़े मारे गए, एड़ लगाई गई, कुछ भी किया गया तब घोड़ा तेज दौड़ा। तो जब कुछ स्वयं भी करना पड़े दूसरे से काम करवाने के लिए तो इस रूल का प्रयोग करते हैं, वह है सब्जेक्ट प्लस मेक और कॉज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी पावर वन और टू बी पावर वन। इसका मतलब यह है कि मेक का अगर प्रयोग करते हैं तो केवल बी पावर वन आएगा, यदि कॉज का प्रयोग करते हैं तो ऑब्लिक के बाद टू प्लस बी पावर वन आएगा। उसने घोड़े को तेज दौड़ाया, अर्थात ही मेड द हॉर्स रन फास्ट, अथवा ही कॉज्ड द हॉर्स टू रन फास्ट। कास्ट लगाया, टू लगा दिया, मैड लगाया, टू नहीं लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड एग्जाम्पल, उसने मुझे रुलाया, ही मेड मी वीप। और सेकेंड कास्ट का प्रयोग किया तो क्या हुआ, ही कास्ट मी टू वीप। लिख भी दिया, नोट में लिख दिया बच्चों कि मेक के पश्चात टू का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि काज के पश्चात टू प्लस बी पावर वन लिखा जाता है। अर्थात इन यूज ऑफ मेक टू इज नॉट यूज्ड बिफोर वर्ब, व्हाइल इन यूज ऑफ काज टू इज यूज्ड बिफोर बी पावर वन। नाउ इन इंपरेटिव सेंटेंस, गेट योर लाइफ इंश्योर्ड और हैव योर लाइफ इंश्योर्ड। नाउ द सेकेंड रूल, द सेकेंड रूल इज अप्लाइड व्हेन सब्जेक्ट आल्सो डज समथिंग टू मेक द वर्क टू डू बाय डूअर। द रूल इज सब्जेक्ट प्लस मेक और कॉज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी पावर वन और टू प्लस बी पावर वन। फॉर एग्जाम्पल, उसने घोड़े को तेज दौड़ाया, उसने घोड़े को तेज दौड़ाया, सब्जेक्ट ही मेड द हॉर्स रन फास्ट और ही कास्ट द हॉर्स टू रन फास्ट। उसने मुझे रुलाया, ही मेड मी वीप, ही कास्ट मी टू वीप। नोट, इन यूज ऑफ मेक टू इज नॉट यूज्ड बिफोर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल इन यूज ऑफ काज टू इज यूज्ड बिफोर वी पावर वन। इन दिस वे आई टॉट यू द यूज ऑफ काजेटिव वर्ब। द फॉलोइंग वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीशंस and I taught you clearly. If you have any problem, you can consult. Thank you.